गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग. सॉरी व्लॉग नहीं है एक्चुअली. मैं ना सोचा कुछ नया ट्राई करती हूँ जो भी बहुत चल रहा है. जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन मीशो में सबसे सस्ते कपड़े मिलते हैं, वैसे ही ऑफलाइन एक जो ब्रांड होता है ना उस ब्रांड में जूडियो में कपड़े बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं. और एक बार मैं गई हूँ जूडियो काफी साल पहले, बट मैंने कुछ लिया नहीं है वहां से. तो आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ. मैंने मीशो से भी 5000 रुपीज की शॉपिंग की हुई है. जूडियो से भी करूंगी. बहुत ट्रैफिक है आज, मतलब भयानक वाले ट्रैफिक है अभी. तो जूडियो से भी 5000 का ही टारगेट है. देखते हैं 5000 में जूडियो में ज्यादा क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी मिलती है या फिर मीशो में. तो ये आपके लिए भी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि यदि आपके भी सिटी में जूडियो है तो आप वहां से जाके शॉपिंग कर सकते हैं. जूडियो मैं आई हूँ इस मॉल में, बट कभी भी हम लोग जूडियो नहीं देखे हैं क्योंकि मॉल बहुत बड़ा है. जहाँ जाना होता है बस वही जाते हैं. आज फर्स्ट टाइम हम लोग जूडियो जाने वाले हैं. चलिए देखते हैं कैसा यहाँ का जूडियो का कलेक्शन. सो फर्स्ट सारथ सिटी मॉल वाले जूडियो में मुझे कुछ खास कलेक्शन मिला नहीं और साइजेस तो सारे ही आउट ऑफ स्टॉक थे. फर्स्ट वाले जूडियो में हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें थी बट सब में डबल एक्सल साइजेस ही अवेलेबल थे. तो अभी हम दूसरे वाले जूडियो स्टोर में जा रहे हैं जो होपफुली वहां पे ज्यादा स्टॉक हो, क्योंकि ये मॉल में था ना तो मॉल में बहुत सारे लोग आते हैं तो चीजें नहीं होती हैं. बट वहां पे अगर स्टोर ही है सिर्फ तो हो सकता है वहां पे कुछ ज्यादा कलेक्शन मिल जाए. और अभी ही शाम के 5 बज गए हैं और इतना ज्यादा ट्रैफिक है. अभी टाइम हो गया है, रात के 9 बज गए हैं. ट्रैफिक टाइम तो गया ही, 2 बजे से लेकर के भी रात के 9 बज गए, प्लस बहुत ज्यादा भीड़ थी. और अभी हमें भूख भी लग गया है तो खाना भी बाहर ही पड़ेगा. हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है जुबली हिल्स में. गुड मॉर्निंग. सो कल रात में आने के बाद मैंने बिल्कुल भी कुछ भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि रात के 11 बज गए थे यार. 2 बजे के निकले हुए, रात के 11 बज गए थे. ऊपर से इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, गर्मी भी कल बहुत ज़्यादा थी और जूडियो में भी ना इतनी ज़्यादा भीड़, जो हम सेकंड वाले जूडियो में गए थे इतनी ज़्यादा भीड़, प्लस हर जगह ना इतने सारे बैग्स लेकर के खड़ा रहना पड़ रहा था कि मेरे दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. मतलब मुझे ना पूरी बॉडी में लाइक शोल्डर वगैरह में और पूरे हैंड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. सो मैं सोच रही हूँ अभी अर्बन कंपनी से मसाज बुक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है. सो मुझे जब भी मसाज की ज़रूरत होती है मैं अर्बन कंपनी ऐप यूज़ करती हूँ और ये आप भी कर सकते हो. सबसे पहले अर्बन कंपनी ऐप को ओपन करना है एंड वुमेन सलून स्पा एंड लेजर क्लिनिक पे क्लिक करना है. फिर आपको स्पा फॉर वुमेन पे जाना है. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मसाज ऑप्शन मिल जाएंगे. मुझे क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था तो मैंने डीप टिश्यू पेन रिलीफ मसाज बुक किया है फॉर 90 मिनट्स. सो अर्बन कंपनी से मसाज प्रोफेशनिस्ट बिल्कुल टाइम पे आ गई थी एंड ये अपने साथ में एक फोल्डिंग बेड लेकर के आती है जो कि मसाज बेड होता है. सिर्फ मसाज बेड नहीं, मसाज में यूज होने वाली सारी चीजें ये अपने साथ लेकर आती है. सो जिस तरह के मसाज का एक्सपीरियंस आपको बाहर सलून जाकर के मिलता था, नाउ अर्बन कंपनी के थ्रू आप सेम एक्सपीरियंस घर पे भी ले सकते हो. तो ये मसाज बेड को सेट करने के बाद बहुत अच्छे से सैनिटाइज करती है, क्लीन करती है, तो हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान यहाँ पे रखा जाता है. ऑल्सो इनके पास ये सील्ड पाउच होता है जिसमें आपके ऊपर यूज होने वाले डिस्पोजेबल सीट्स, टॉवल एंड लॉन्जरी होते हैं. इतना ही नहीं गाइस, एक लग्जरी स्पा लाइक एक्सपीरियंस के लिए ये अपने साथ में कैंडल, डिफ्यूजर, फ्लावर्स एंड रिलैक्सिंग म्यूजिक के लिए स्पीकर भी अपने साथ लेकर आती है. ऑल्सो ऑयल को गर्म करने का भी सेटअप इनके पास होता है. तो कुछ इस तरह से एक लग्जरी सलून स्पा लाइक एम्बियंस मेरे घर पे ही क्रिएट किया गया. Thank you.
मसाज सर्विस तो अच्छी होती ही है गाइस, बट आफ्टर मसाज भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मेस होता है वो सारी चीजें वो खुद कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, और आपका घर बिल्कुल मेस फ्री होता है। वो सारी चीजें अपने साथ लेकर जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। और मैं बहुत ज्यादा ना अभी मतलब एनर्जी से भरी हुई हूँ, पूरी रिचार्ज हो चुकी हूँ, मतलब बॉडी एकदम लाइट हो चुकी है और वैसे ही बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो आपने अभी तक अर्बन कंपनी से स्पा एट होम या फिर मसाजेस नहीं ट्राई किए हैं, डेफिनेटली ट्राई करो, बहुत ही अमेजिंग है। और घर के कंफर्ट जोन में जब आप मसाज करवाते हो ना, तो उसकी अलग ही फीलिंग है, कहीं जाना भी नहीं और घर में ही मसाज हो जाए। खुद के लिए इतना करना तो बनता है, जब भी आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करो, खुद को पैम्पर करने का मन हो, रिलैक्स होने का मन हो, तो जरूर ट्राई करना। ऑल्सो अर्बन कंपनी के प्रोफेशनल के बैकग्राउंड भी वेरीफाइड होती है और ये सर्टिफाइड होते हैं हाई क्वालिटी मसाज देने के लिए। सो आप विदाउट एनी टेंशन घर पे ही मसाज बुक करके सर्विसेज ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ मैं आपको बताती हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा जूडियो का। जूडियो सबसे पहले मैंने गलती की कि मैं सबसे पहले चली गई सार सिटी मॉल वाले जूडियो में। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे मॉल लेकर के जाना है। जब मैं वहां पहुंची तब मुझे पता चला कि अच्छा, ये मॉल में भी जूडियो है, और मॉल में क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, खास करके ये सार सिटी मॉल में, तो वहां पे कलेक्शन आपको अच्छा मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे मुझे लगा यार क्या, जूडियो में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, वैसा कुछ भी कलेक्शन नहीं है कि जो लोग इतना बोलते हैं जूडियो में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं बहुत सस्ते में। तो वहां हो गया, बट वहां पे हाँ मेन का कलेक्शन बहुत अच्छा था और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, बहुत ही नॉर्मल सी चीजें मिल रही थी जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी मुझे वहां से दो चीजें मिल गई थी जो मैं आपको दिखाऊंगी। वहां से फिर हम गए माधापुर के स्टोर में, और मैंने ना बहुत सारे स्टोर मैंने चेक किए। मैंने सोचा कि जहां पे कोई भी लाइक दो तीन स्टोर थे जूडियो के आसपास में जो हाइपर मार्केट के पास में थे, तो मैंने वो नहीं वहां नहीं जाकर के मैं गई माधापुर में। मुझे लगा माधापुर में सिर्फ स्टोर होगा जूडियो का, लेकिन वहां जाते ही मुझे पता चला कि जूडियो की मतलब जूडियो और डीमार्ट दोनों आमने सामने हैं। तो डीमार्ट में भी बहुत ज्यादा भीड़, और डीमार्ट से भी ज्यादा भीड़ थी जूडियो में। जबकि ऐसा भी नहीं था कि मैं सैटरडे संडे को गई थी, मैं वीक डेज में ही गई थी, फिर भी इतनी ज्यादा भीड़। मतलब आपको ऐसा कुछ मिल जाए जल्दी से ऐसा भी नहीं है, प्लस आपको यदि कुछ मिल गया है तो ट्राई करने के लिए भी मैं वहां 15 to 20 मिनट में वहां पे वेटिंग लाइन में खड़ी थी ट्राई करने के लिए। उसके बाद बिलिंग काउंटर में रात के 9 बज गए थे और इतनी लंबी लाइन थी और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, सब पसीने पसीने हो रहे थे। तो ऐसा था वहां का सीन, बहुत ज्यादा थक गए थे हम दोनों ही घूम घूम के, और इतना मतलब बता नहीं सकती हूँ। बट मुझे माधापुर में बहुत अच्छा कलेक्शन मिला, साइजेस नहीं मिल रहे थे बट मुझे कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। पर मेरा जो बजट था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था कि मुझे 5000 ही रुपए खर्च करने हैं जूडियो में अपने लिए, तो मैंने 5000 के अंदर ही मुझे जो मिल सकता था वही लिए हैं। बाकी नितेश ने खुद के लिए भी शॉपिंग कर ली क्योंकि वो गए थे, उनको भी काफी अच्छा लगा था क्योंकि जारा में जो चीजें आपको 2000-3000 में मिलती है वही जूडियो में आपको 600-700-800 में मिल जा रहे थे। तो उन्होंने भी अपने लिए कुछ कुछ लिया है जो इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। उन्होंने पापा के लिए भी कुछ कुछ चीजें ली, लाइक शर्ट वगैरह, टी शर्ट वगैरह बहुत सस्ते में मिल रहे थे वहां पे, तो वो हो गया। एंड हाँ बस ऐसा था। तो अब मैं आपको तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने जूडियो से क्या क्या लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी मैंने अपने लिया है मुझे बहुत अच्छा लगा है। प्राइस मैंने बहुत ज्यादा सस्ते वाले नहीं लिए हैं, जो कि 299 वाली कुर्तीज जो होते हैं ना, जो बिल्कुल प्रिंटेड कुर्तीज जो होते हैं, शॉर्ट कुर्तीज सेम टाइप का नेक आपको 3-4 स्लीव्स के साथ मिल जाते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल कलेक्शन है। वो आप कभी भी जाओगे रिलायंस ट्रेंड्स, जूडियो, इस तरह के स्टोर में, तो आपको इस तरह की कुर्तीज आराम से मिल जाती है। मैंने कुछ कुछ जो बहुत ही खूबसूरत पीसेस होते हैं, जिस कि पीसेस मतलब जो थोड़े अलग हो और जो लगे कि हाँ कुछ लिया है, वैसे पीसेस मैंने पिक किए हैं, और वही मैंने 5000 से मीसो से भी मंगाए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट हाँ मैं ये बता सकती हूँ आपको कि मीसो की क्वालिटी और जोड़ियों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। मीसो में आपको 600-700 रुपीज में जो ड्रेसेस मिलते हैं लाइक जॉर्जेट मटेरियल वगैरह में, वो मटेरियल की क्वालिटी उतनी ज्यादा प्रीमियम भी नहीं होती है, प्लस उसकी स्टिचिंग भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। बट जोड़ियों में जो भी पीसेस मैंने 600, 700, 800, 900 जितने के भी देखे ना, सभी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल H&M एंड ज़ारा स्टाइल आपको मिल जाएंगे जूडियो में। बट बहुत जल्दी मतलब खत्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है जूडियो में, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि कलेक्शन बहुत जल्दी ही वहां से खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने जूडियो से क्या क्या लिया है, जो कि स्टार्ट होती है 49 रुपीज से। मैंने 49 रुपीज में क्या लिया है वो भी आपको दिखा देती हूँ।
है मेरी शॉपिंग बैग जूडियो से और मैंने लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 पीसेस। तो सबसे सस्ते से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने ये लिया हुआ है, ये सॉक्स है और ये वन साइज में आते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉक्स थे वहां पे, बट सारे ही ना वो जो इनविजिबल सॉक्स होते हैं वही ज्यादा थे, फुल लेंथ वाले नहीं थे ज्यादा। तो मुझे फिर भी ये थोड़ा ठीक लगा तो मैंने ये ले लिया। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है एंड ये ब्लू एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है, जो कि अभी मैं करंटली जो शूज पहन रही हूँ वो उससे मैच हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। नेक्स्ट जो आइटम जूडियो से मैंने लिया हुआ है, मैं यहाँ पे ना प्राइजेस मेंशन करती जाऊंगी और फाइनल कितना कॉस्ट होता है वो आप देख लेना। नेक्स्ट मैंने लिया है ये क्लचर, जो कि है ऑरेंज एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में, मुझे काफी अच्छा लगा। ऑरेंज एंड पिंक भी नहीं है, ये पीच कलर है प्लस लाइलेक कलर है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये मैंने लिया 79 रुपीज में। नेक्स्ट मैंने माधापुर वाले स्टोर से ये वाले जो जूते हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लिए हैं। ये एक ही पीस वहां पे बचे हुए थे और इसका साइज भी बड़ा है, ये 40 साइज में है जबकि मैं पहनती हूँ 38, बट ये मुझ में मतलब फिट हो जा रहा है। यदि इनको सॉक्स के साथ पहनोगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कि बहुत मैंने बड़े पहने हुए हैं जूते। तो इस तरह के है शूज पर्पल कलर में, तो उनको काफी अच्छे लगे तो उन्होंने बोला कि ये लो ही तुम, तो मुझे लेना ही पड़ा, तो ये उनकी वजह से मुझे लेना पड़ा। ऐसे इसकी क्वालिटी अच्छी है, कुशनिंग वगैरह अच्छी है एंड मतलब अच्छी क्वालिटी है यार, मुझे काफी अच्छे लगे ये, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो सारत सिटी मॉल वाले जूडियो में गई, वहां मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, तो जो पीसेस मुझे मिल गए मुझे लगा कि शायद यही मिलता होगा जूडियो में, तो मैंने दो पीसेस वहां से उठाए थे। सबसे पहले मैंने लिया हुआ था ये वाला टॉप, ये थोड़ा जालीदार टॉप है और इसको समर में भी पहन सकते हैं, ये विंटर वाला टॉप नहीं है, थ्रेड से ही बनाया हुआ है एंड ये तो बैक है, ये है इसका फ्रंट। इसके अंदर मैं आपको कुछ टैंक टॉप वगैरह पहन के ही पहनना होगा, बट ये मुझे मिला है डबल एक्सेल साइज में। वहां पे डबल एक्सेल से कम में तो मतलब कुछ साइजेस ही अवेलेबल नहीं थे सारत सिटी मॉल में, सिर्फ एक या दो पीस ना डबल एक्सेल ही बचा हुआ था। तो मुझे फिर भी ये टॉप अच्छा लगा, मुझे लगा लूज लूज भी ना इसे टैंक टॉप के साथ पहना जा सकता है, तो ये मैंने लिया, ये काफी ज्यादा अच्छा है एंड इसकी प्राइस लगी है मुझे 599 रुपीज। नेक्स्ट मैंने जो सारत सिटी मॉल वाले स्टोर से लिया वो है ये वाली ड्रेस, ये भी मुझे नहीं मिल रही थी मेरे साइज में, बट जब जहां पे ट्राई ऑन किया होता है ना, मतलब जो ट्रायल रूम होता है उसके बाहर में एक हैंगर था, उसमें मुझे यहाँ मीडियम साइज में ड्रेस मिल गया, तो ये ड्रेस मुझे काफी अच्छी लगी थी एंड इसका प्राइस है 899 रुपीज, 900 रुपीज की प्राइस है, बट क्वालिटी एंड डिजाइन मुझे अच्छा लगा था उस वाले स्टोर में, तो यही अवेलेबल था जो मुझे अच्छा लगा था। तो इस तरह से इसमें स्वीट हार्ट नेक है एंड यहाँ पे ये फुले फुले से स्लीव्स है। इसका कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था, लाइक व्हाइट एंड येलो के कॉम्बिनेशन में है, तो इस तरह से है ये वाली ड्रेस। तो ये दोनों चीजें मैंने ली हुई थी सारत सिटी मॉल से। अब जब मैं माधापुर वाले स्टोर में गई ना, मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिले। दो ड्रेस को मैं छोड़ के भी आगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पहले ले चुकी थी तो मुझे उन दोनों को छोड़ना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था। तो फर्स्ट जो ड्रेस मैंने वहां से लिया है, अच्छा जो नहीं लिया है वो बता देती हूँ, एक है ये डबल एक्सल साइज में था, 599 रुपीज, 600 रुपीज का, बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही कलरफुल लग रहा था अभी के वेदर में पहनने के लिए, बट बहुत ही ज्यादा लूज हो रहा था, मुझे लगा कितना ही फिटिंग कराऊंगी यार, तो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। बट आप जाते हो जूडियो तो आप ट्राई कर सकते हो इस तरह के पीसेस, 600 रुपीज में मुझे काफी अच्छा लगा था वो। नेक्स्ट जो था वो था ये वाला ड्रेस, जो कि ग्रे एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में था, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था कि तुम लो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे बाकी के जो ये पीसेस थे वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे, मुझे लग रहा था मैं इनको ज्यादा यूज करूंगी, इसलिए मैंने इन पीसेस को लिया, उसको भी मैंने जाने दिया। अगर मैं ये जो दो पीसेस है वो नहीं लिए होते ना पहले वाले जूडियो से, तो मैं डेफिनेटली उसको ले लेती, बट क्या कर सकते हैं। सो नाउ
नेक्स्ट मैंने लिया ये वाला ड्रेस, इसको एज अ अनारकली कुर्ता सेट भी पहना जा सकता है ब्लू कलर की लेगिंग्स के साथ में। इसमें इस तरह से वी नेक है जो मुझे काफी अच्छा लगा और इस तरह के स्ट्रेप्स है जो कि एडजस्टेबल है। मटेरियल की क्वालिटी ऑसम है गाइस, बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इसकी प्राइस है 799 रुपीज, मतलब 800 रुपीज की लिए ड्रेस। एंड इसका प्रिंट वगैरह मुझे काफी अच्छा लगा और फ्लेयर भी आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। एंड इसमें अंदर में लाइनिंग भी लगाई हुई है तो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। एंड बस यही, मुझे इसका प्रिंट भी बहुत ही अच्छा लगा, ब्लू ग्रीन एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है ये ड्रेस और ये ड्रेस थोड़ी यूनिक लग रही थी, प्रिंट वगैरह बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने इस ड्रेस को लिया। मुझे है मीडियम साइज में, ये मुझे बहुत अच्छे से फिट हुआ। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की, तो नेक्स्ट मैंने लिया ये वाली ड्रेस। इसमें भी दो ही पीस अवेलेबल था और वो एल और एक्सएल साइज में था तो मैंने यहाँ पे एल साइज को लिया और मुझे बहुत अच्छे से फिट हुआ। इस तरह की ड्रेस आपको H&M वगैरह में मिल जाएगी, 2000 प्लस में मिलती है, जारा वगैरह में भी 2500 3000 में मिल जाएगी, बट यहाँ जूडियो में मुझे ये ड्रेस मिली है ओनली 899 रुपीज की। तो ये क्रीम कलर में है और इसमें इस तरह के फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं एंड इसमें फुल स्लीव्स भी है, साथ ही में स्लीव्स में इलास्टिक लगी हुई है और यहाँ वेस्ट में भी इलास्टिक लगी हुई है और नीचे में इस तरह के रफल की डिजाइन है। तो इस तरह से है ये वाली ड्रेस एंड 899 रुपीज में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल है ये एंड मुझे ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा पहन करके। नाउ जो लास्ट पीस है ये तो बहुत ही ऑसम है, एक ही पीस था और ये भी था डबल एक्सएल साइज में, फिर भी जब मैंने इसको पहन के देखा ना मुझे लगा कि अगर मैं इसको साइड से दबवा लूं तो इसको मैं आराम से पहन सकती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये थोड़ी लूज फिट वाली ही ड्रेस है तो मैंने इसको ले लिया। क्योंकि इस तरह की ड्रेसेस आपको यार 899 रुपीज में तो नहीं मिलेंगी कहीं भी, बिल्कुल प्रीमियम कॉटन की क्वालिटी है। इसमें आप देखोगे ना ये जो जालीदार थ्रेड वर्क होता है ना पूरी फैब्रिक में, वो जालीदार थ्रेड वर्क है, प्लस यहाँ पॉकेट्स देखोगे आप तो यहाँ पे ये कलरफुल थ्रेड से पॉकेट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और बीच में पूरे बटन्स हैं और बैक भी आप देखोगे तो बैक में भी आपको पूरे ये जालीदार वाला थ्रेड वर्क मिल जाएगा। एंड इसके जो स्ट्रेप्स आपको मिलेंगे वो बांधने के लिए मिलेंगे, उसमें भी इस तरह की जालीदार आपको, उसमें भी इस तरह की आपको एम्ब्रॉयडरी की हुई मिल जाएगी एंड पूरे में लाइनिंग भी लगाई हुई है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मैंने सोचा कि नहीं मैं इसको फिटिंग करा के पहन लूंगी तो मुझे, सो इसलिए मैंने इस ड्रेस को भी ले लिया और मेरा जो बिल का अमाउंट था वो हो गया था 5000 रुपीज, मतलब उसके आसपास में हो गया था। नाउ देखते हैं कि मीशो में मुझे क्या क्या मिला है 5000 रुपीज में। एक दो आइटम कैंसिल हो गए तो उसकी जगह पे मैंने कुछ और ऑर्डर कर लिया है, बट 5000 रुपीज के आसपास, मतलब 5000 के अंदर ही है। और मीशो में आपको ये भी है कि टोटल बिलिंग पे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाता है। फर्स्ट आइटम जो मैंने इस पर उठाया है मीशो से वो है ये टॉप, और ये जो टॉप है ना मुझे लग रही थी कि थोड़ी सिफोन टाइप की मटेरियल में होगी, मतलब थोड़ी होती ना लाइट फैब्रिक वैसी होगी, बट ऐसा नहीं है, ये काफी थिक फैब्रिक है एंड इस तरह से है ये व्हाइट एंड पर्पल के कॉम्बिनेशन में है, नॉर्मल सी टॉप है। और मीशो में आपको मोस्टली वही सरोजनी और जो फुटपाथ वाले जो स्टोर होते हैं ना वही स्टोर के ही आपको चीजें मीशो में मिलती हैं, कोई भी चीजें ज्यादा मिलती है मीशो में क्योंकि आपको मीशो में सस्ती चीजें ही मिलती हैं। और इसका जो बैक है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये टाई करने का है तो मॉडल पे पहना हुआ काफी अच्छा लग रहा था और ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, बट एग्जैक्टली वो सेम जो फैब्रिक है ना वो सेम फैब्रिक नहीं है, यहाँ पे साथ में आपको फुल स्लीव्स मिल जाएगी। तो अभी जैसे कि वेदर जो है बरसात हो रही तो ठंड लग रहा है, बरसात के बाद ठंड का मौसम भी आ जाएगा, उस वेदर के लिए बिल्कुल सही है। स्टूडियो में तो मुझे अच्छे एथनिक वेयर नहीं मिले लेकिन मीशो में मुझे मिला ये, और ये बहुत ज्यादा सुंदर पीस लगा मुझे, अनारकली सूट है। लेकिन अभी जैसे ही मैं इसको ओपन किया मैंने देखा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये फटा हुआ है, ये फटा हुआ है, ये स्टिचिंग ठीक से किया हुआ नहीं है, मुझे नहीं पता ऐसा है, और इसमें से थोड़ी सी ना स्मेल भी आ रही है, तो इसको मुझे अभी पहले वॉश करना होगा उसके बाद ही मैं इसका ट्राई ऑन करूंगी। बट इस तरह के जो सेट्स है ना ये मोस्टली इंस्टाग्राम स्टोर्स में मिलते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर स्टिच किया हुआ अच्छा सा अनारकली है, लंबी लंबी सी स्लीव्स हैं, इसी को देख करके मैंने लिया हुआ था। तो ये जॉर्जेट मटेरियल में है, काफी अच्छी फ्लेयर है, जैसा कि आप देख सकते हो फ्लेयर इसमें काफी अच्छी है, लाइनिंग भी लगाई हुई है एंड नेक जो है इसका ये काफी सुंदर राउंड नेक है, फ्रंट में भी एंड बैक में भी, एंड यहाँ पे डोरी लगाई हुई है। तो इस तरह से है ये अनारकली। नाउ इसके साथ में आपको बॉटम वेयर भी मिला है जो कि है कुछ इस तरह से, स्ट्रेट पैंट्स हैं एंड इसमें पॉकेट्स भी है, फुल्ली इलास्टिकेटेड है।
एंड इसकी बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ये कोई ना अच्छा ब्रांड ही है, मतलब कोई इंस्टा स्टोर ही है, उन्हीं का सेट है ये, जो कि थोड़ा जो डैमेज पीस है उसको इस तरह से सेल कर दे रहे हैं मीसो में। इस तरह से है इसकी दुपट्टा, दुपट्टा की लेंथ वगैरह सही है, दुपट्टा में इस तरह की लेस भी लगाई हुई है। तो ये हो गया आपका दुपट्टा जो कि अच्छा है, मुझे ये वाला सेट अच्छा लगा। यदि ये थोड़ा डैमेज नहीं होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता, बट प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक मैंने 1100-1200 रुपीस पे किए हैं इसके लिए, उस प्राइस में मुझे अच्छा लगा ये पीस। नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है कोट सेट जो कि है कुछ इस तरह से, तो ये साइज में थोड़ा बड़ा लग रहा है। अच्छा ये हाई लो पैटर्न में है, फ्रंट में थोड़ा छोटा है, बैक में ये थोड़ा लंबा है। एंड इस तरह से इसमें 4 कलर्स थे, मैंने ये वाला कलर लिया। ये रेयन मटेरियल में है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पहनने पे कैसा लगेगा वो पहन के ही पता चलेगा। एंड ये फुल स्लीव्स के साथ में है, तो जैसा मॉडल पे दिख रहा था मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा सुंदर लगेगा ये पीस। तो ये हो गया ऊपर का पार्ट, और नीचे आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह के पैंट, फुल्ली इलास्टिकेटेड है, इस तरह की स्ट्रेट पैंट्स। मुझे नहीं लगता ये प्रिंट ना थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था वहाँ फोटो में, और मुझे सामने से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल लग रहा है, तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ। नेक्स्ट जो मैंने मीजो से लिया है वो है ये वाली ड्रेस, अगेन ये भी जॉर्जेट मटेरियल में है, इसमें टैग भी लगा हुआ है एश नैना करके कोई ब्रांड है। ये ग्रीन कलर की ड्रेस है, सावन अभी 2 महीने है, तो चलिए अभी ग्रीन कलर की ड्रेस पहनना चाहते हो तो पहन लो। इस तरह से यहाँ पे ये बटन्स की डिटेलिंग है, और ये इस तरह की स्लीवलेस ड्रेस है, एंड ये फुल लेंथ की ड्रेस है। इस तरह से फ्रंट में आपको बटन्स मिलेंगे, लेकिन ये बटन्स जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, एंड यहाँ नीचे में कट है, और ये पॉलिस्टर मटेरियल में है, और कुछ इस तरह की ग्रीन प्रिंटेड ड्रेस है, अंदर में लाइनिंग लगाई हुई है, एंड बैक में आपको ये टाई करने के लिए मिलता है। तो काफी सुंदर सा डिजाइन पैटर्न है, कलर भी बहुत ही प्यारा है ये अभी के सीजन के लिए। तो ये है नेक्स्ट ड्रेस जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, बट प्रीमियम क्वालिटी नहीं है। फोटोज में अच्छे लगेंगे, आप पहनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट फील वैसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये ऑब्वियसली पॉलिस्टर मटेरियल है। नाउ नेक्स्ट जो आइटम है वो है एक ड्रेस अगेन। तो ये जो ड्रेस है वो कुछ इस तरह की ड्रेस है, इसी टाइप में ना मैंने एक ब्लू कलर की ड्रेस मंगाई है और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसी टाइप में ये येलो कलर की भी ड्रेस मंगा ली। तो ये आपको मिल जाएगी राउंड नेक फ्रंट एंड बैक में भी, और इसका मटेरियल काफी अच्छा है, जॉर्जेट मटेरियल में ही है, बट काफी लाइट और फ्लोई सा मटेरियल है। एंड इसमें जो प्रिंट देख रहे हो ना, ये येलो व्हाइट का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है मुझे ये। एंड इसमें भी आपको फुल स्लीव्स मिल जाएगी। स्टिचिंग पैटर्न मीसो का ना बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं होता है, बहुत ही लोकल टाइप की स्टिचिंग होती है इसकी, कहीं ऊपर नीचे होता है, तो मीसो में ऐसा ही होता है। एंड इसमें बैक में ये बांधने के लिए भी है, एंड ये फुल लेंथ की ड्रेस है, सुंदर ड्रेस है। मुझे इसकी मतलब इसी टाइप में मैंने ब्लू लहरिया भी मंगाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट है मेरे पास ये एक शर्ट जो कि व्हाइट कलर की शर्ट है, रेयन मटेरियल में है, और ये शर्ट काफी बड़ी लग रही है, मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसी नहीं लग रही है। यहाँ पे ये कॉलर पैटर्न है, साथ में यहाँ पे फुल लंबी सी स्लीव्स है, और प्रोबेबली मैं इसको रिटर्न कर दूंगी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये। इस तरह से है ये शर्ट, फ्रंट में सारे बटन है, यहाँ पे ये पेप्लम स्टाइल में है, एंड इस तरह से है ये शर्ट। मुझे थोड़ा लगा क्रॉप्ड में आएगा, बट ये काफी बड़ा वाला शर्ट है इसको, हाँ बटन्स ओपन करके अंदर कोई स्पेगेटी टॉप पहन के पहना जा सकता है। नेक्स्ट है मेरे पास एक नीलन तक की ड्रेस। तो ये ब्लू कलर की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे लगा था ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में आएगी, बट नहीं, ये भी जॉर्जेट मटेरियल में ही है। एंड इस तरह से ना नेवी ब्लू कलर में व्हाइट फ्लावर्स बनाए हुए हैं, साथ में लाइट ब्लू कलर के इसमें लीव्स बनाए हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। एंड यहाँ पे स्क्वेयर नेक है, साथ ही में हाफ स्लीव्स है, एंड इस तरह से है ये वाली भी ड्रेस, ये भी बहुत ही सुंदर ड्रेस है, मतलब जॉर्जेट में है, प्रीमियम क्वालिटी नहीं है, बट इसको भी आप कहीं घूमने उमने जा रहे हो, पार्टी वगैरह में पहनोगे तो फोटोज वगैरह इसमें बहुत अच्छे आएंगे। एंड गाइस, जो मीसो से लास्ट पीस है वो है ये भी एक कुर्ता सेट ही है, एंड ये भी एक अनारकली पैटर्न में है। तो
तो ये मुझे काफी टाइम से लेना था, ट्राई करना था, तो मैंने इसको मंगाया। अब जैसे वहां पे दिख रहा था ना, थोड़ा लाइट कलर दिख रहा था, बट यहाँ पे काफी ज्यादा डार्क कलर है, मतलब पिंक ही है, ठीक लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें जो लाइट पिंक है ना, तो इसमें ग्रीन जो है ना वो ज्यादा डार्क लग रहा है। इसमें भी थोड़ा लाइट ग्रीन करते ना तो ज्यादा ये अच्छा लगता, बट इसमें जो ग्रीन है वो ज्यादा ही दिख रहा है। तो इस तरह से है ये, और इसमें आपको यहाँ पे 3-4 स्लीव्स मिल जाएगी, एंड अनारकली पैटर्न में है इस तरह से। फ्लेयर तो ठीक ठाक दिया हुआ है, बट आप ही देखो ना, ये ग्रीन थोड़ा ज्यादा ही डार्क दिख रहा है इसमें। एंड इसमें है कुछ इस तरह की स्ट्रेट पैंट्स, फुल्ली इलास्टिकेटेड है, सेम फैब्रिक में है, सेम पैटर्न है, सेम फैब्रिक है, एंड इस तरह से है ये पैंट। और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ये आपको भी लगा कि वो जो ग्रीन है ना पिंक में, वो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। वो लाइट ग्रीन रहता तो वो ये सेट ज्यादा अच्छा लगता मेरे अकॉर्डिंग। ऑल गाइस, मैंने ये डेनिम स्कर्ट भी मंगाया जो मीशो में सिर्फ 476 रुपीज की है, एंड सिर्फ अर्बैनिक से लोगे तो ये आपको 1400 या 1500 रुपीज में मिलेगी, एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो ये थी मेरी जूडियो वर्सेस मीशो हॉल, और मीशो में आपको वैरायटी जरूर मिल जाते हैं, रेप्लिका मिल जाते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, पर जूडियो में जो है वो प्रीमियम क्वालिटी और थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीसेस मिले जो बहुत ही क्लासी लग रहे हैं। एंड मीशो तो सारा ही लोकल ही मिलता है मोस्टली, तो आप जूडियो या फिर मीशो कहाँ से शॉपिंग करना प्रेफर करोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अर्बन कंपनी ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी जरूर ट्राई करना। एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।